अस्सलामु अलैकुम नजरीन नजरीन। दुल्हन उरूसी जोड़े में बैठी थी कि दुल्हा आया और कहने लगा, मुझे इस दिन का काफ़ी अरसे से इंतज़ार था। दुल्हन ने जवाब दिया, इस वक्त दिन नहीं रात है। मेरा मतलब है कि तुम्हें हासिल करने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले, कोलियों के बैल की तरह काम किया। दुल्हा ने वजाहत पेश की, इसका मतलब है कि तुम पापड़ बेलने का काम करते हो और पापड़ पार्ट टाइम तेल का कारोबार भी करते होगे। दुल्हन ने कहा, डार्लिंग तुम समझी नहीं। दुल्हा ने रोहसा होकर कहा, इससे पहले तो किसी दुल्हा ने अपनी दुल्हन से ऐसी बात नहीं की होगी। दुल्हन बोली। दुल्हा अपना सर पकड़कर बैठ गया, कहने लगा, अब्बा ठीक कहते हैं कि दुल्हन घर से रुखसत होते वक्त 10 मिनट में खुद रोकर सबको रुला देती है और दुल्हा बेचारा सारी ज़िंदगी रोता रहता है। दुल्हन ने फिर जवाब दिया, आप सारी ज़िंदगी कहाँ रह गई है, तकरीबन आधी तो गुजर मसनून निकाह के बाद शोहर को चाहिए कि अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ अच्छे से पेश आए, इसका दुख दर्द और गम कम करने और इसका दिल बहलाने के लिए इससे लुत्फ सरूर की बातें करें, दिल लगी और हंसाने वाली कलमात कहें, उसे तोहफा तहाब देकर इससे अपनी मोहब्बत और लगाव का इजहार करें, खाने पीने की उम्दा चीज़ें पेश करें, दूध हो तो बहुत बेहतर है, शोहर पहले खुद कुछ पिए या खाए फिर दुल्हन को पिलाए, दुल्हन जब फारिग हो जाए तो वो बर्तन दुल्हे को पीने के लिए दे दें, यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये सब शैतानी वसवसे हैं क्योंकि शादी से इंसान बहुत सारी बुराइयों से बच जाता है, इसलिए शैतान शादीशुदा जोड़े से बहुत जलन रखता है। यही वो जिना को लोगों के लिए आसान और लुत्फ बनाकर पेश करता है और निकाह के ज़रिए हलाल होने के बाद एक दूसरे से तस्कीर हासिल करने को मुश्किल बनाकर दुल्हन के दिल में डर पैदा करता है। लिहाजा दुल्हन को शैतानी वसवसों से का शिकार होने की बजाय अल्लाह के बनाए हुए बेहतरीन निज़ाम पर राज़ी होना चाहिए। याद रहे, अगर दुल्हन की ये जहन बन जाए तो इसके लिए वाकई सुहाग रात से बेहतर कोई और रात नहीं हो सकती। दुल्हे को चाहिए कि दुल्हन का दिल जीतने की पूरी कोशिश करे, हंसी मजाक कुछ इस अंदाजे से करे कि वो मुस्कुराने पर मजबूर हो जाए। दुल्हन के हुस्न जमाल और इसमें मौजूद खूबियों की खुलकर तारीफ करे। जब वो दुल्हे से पूरी तरह मुतासर हो जाए और खुश भी हो तो चाहे मजामियात हम मिसरी करें या वैसे ही हंसी मजाक में रात गुजार दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। सलाम।